मेरी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि मैं अपनी कॉलेज की फीस पे कर सकूं, इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया सर। यह कहानी है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाली दो बहनों की। कविता और काजल दोनों बहनों ने पिछले साल पास के ही एक सरकारी स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की, जिसमें उनके 80% से भी ज्यादा अंक थे। ये अंक इतने बेहतर हैं कि दोनों को दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के किसी भी अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिनके चलते इनका हायर एजुकेशन का सपना पूरा नहीं हो सका। प्राइमरी टीचर का कोर्स में सोची करने का 2 साल का कोर्स था सर, लेकिन उसमें भी सर फीस 36,000 रुपये मांग रहे थे एनुअली, जिससे कि मैं पे नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हमारे इधर कितने लोग हैं जो 12वीं तक पढ़ पढ़ के छोड़ दिए हैं, बट आगे उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था और आर्थिक स्थिति भी खराब थी तो भी छोड़ दिया, और हमारे घर में भी सेम सिचुएशन है। बस्ती में कई लड़कियां मुझे ऐसी मिली जो पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ मात्र एक फोन पर शिफ्ट हो जाने की वजह से शिक्षा उनसे दूर होती चली गई। अब उनके हाथ में कलम की जगह घर की बाल्टी और बर्तन आ गए हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ने में, क्योंकि मेरे घर में एक ही फ़ोन है टच वाला, वो मेरे पापा लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि और वो उनको काम करना पड़ता है उस फ़ोन से ना, तो कभी पापा लेट आते हैं तो मैं काम कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है इससे क्या नुकसान हो रहा है? सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस बार ना इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाऊँगी जैसे पहले लाती थी। दिक्कत हो रही है कि जैसे मोबाइल में हम लोग समझ नहीं पाते, अगर मैम के पास होते तो मैम अच्छे से समझा देती। मेरी बहन तो स्कूल चल जाती है, फिर आती काम करने लगती है, और मुझे स्कूल जाना चाहिए और घर पे रहती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, पानी भरती हूँ और कपड़ा धोती हूँ। इन्हीं झुग्गी बस्तियों से हायर स्टडीज तक पहुँचने वाली अकेली लड़की विजेता राजभर अपने आसपास के इन बच्चों की टीचर बनी हुई हैं। जब उन बच्चों से एजुकेशन का सारा एक्सेस छिन चुका है तो वो यह सुनिश्चित करने में लगी हैं कि इनका ज्यादा नुकसान न होने पाए। विजेता ने अपने आसपास बिना किसी ऐसे उदाहरण के इन झुग्गी बस्तियों से निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। इन दिनों वो इन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अपने PhD के लिए भी लगी हुई हैं। स्लम से आने वाले बच्चों का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो आर्थिक रूप से काफ़ी ख़राब होता है, तो आर्थिक रूप से भी ख़राब होते हैं, प्लस उनके पास उतनी जानकारियां नहीं होती है शैक्षिक रूप से कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। या फिर स्लम एरिया में जब आप रहते हैं तो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, ना आपको कोई गाइड करने वाला रहता है, तो कुल मिला के ये हो जाता है कि शिक्षा आपके लिए एक बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है।